विधायक किशोर जोरगेवारी ने जान से मारने का धमकी भरा पत्र उनके कार्यालय में पोस्ट के जरिए प्राप्त हुआ। हमें शराब बेचने दे अन्यथा आपकी जान को खतरा होगा, ऐसी धमकी नीनावी पत्र के जरिए विधायक किशोर जोरगेवारी ने मिली। इस पत्र के संदर्भ में जोरगेवार ने जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खिमनार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी इन्हें सूचित किया। अपने मतदार संघ में संगठित शराब बिक्री नहीं चाहिए, इसके लिए विधायक किशोर जोरगेवार ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी इनसे कई बार भेंट ली, शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने शराब विक्रेताओं के विरोध में कार्रवाई शुरू की। इसी के चलते अवैध शराब विक्रेता ने अब नीनावी पत्र के जरिए विधायक को चेताया है। पत्र में आपने विधायक के तौर पर अच्छा काम किया है, हम जैसे बेरोजगार लोगों का रोजगार छीनना ठीक नहीं, आपकी अवैध शराब संदर्भ में भूमिका गलत है, अन्यथा आप या आपके परिवार के सदस्य की जीवित हानि होने पर आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, ऐसी धमकी पत्र से दी। मराठी का यह पत्र हाथ से लिखा गया है। पोस्ट के जरिए पत्र जोरगेवार के कार्यालय में पहुंचा। इस संदर्भ में किशोर जोरगेवार ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये काम करत असताना अशा निनावी पत्रांना धमक्यांना मी कधी घाबरलो नाही, भीकही घालत नाही। अनेक लोकांचे जे व्यवसाय आहे, जे अवैध व्यवसाय आहे, त्या अवैध व्यवसायावर जेव्हा केव्हा संकट येतं, अडचणीचं ठरतं, त्यावेळेस तशा धमक्या फोनद्वारे, पत्रांद्वारे किंवा कधी असं अप्रत्यक्ष कुणाच्या माध्यमातून येतच असतात। राजकारणामध्ये काम करत असताना या धमक्यांना भीक घालण्याची किंवा त्याची दखलही घेण्याची आवश्यकता नाही। हे खरं आहे की या विधानसभेचा आमदार म्हणून जेव्हा लोकांनी इतकं प्रचंड प्रेम आशीर्वाद दिले तर त्यांचे आशीर्वाद मोठे आहे, या धमक्या देणाऱ्यांचं काही होणार नाही। मुद्दाही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है, मंजूर खुदा होता है। नाही मी तक्रार वगैरे केली नाही, आज जिल्हाधिकारी महोदयांकडे मी काही कामानिमित्त मतदारसंघाच्या प्रश्नांसाठी गेलो होतो, त्यांना फक्त एक सांगितलं की अशा पद्धतीचं पत्र मला आलेलं आहे, त्यांनी त्याची दखल घेतली आणि पोलीस अधीक्षकांनाही मी फोनवरून याची सूचना दिलेली आहे। परंतु